आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। खत्म हुआ इंतजार। चुनाव परिणाम के बाद 5 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आएगा 2024-25 का पूर्ण बजट। DGCA ने एयर इंडिया को भेजा कारण बताओ नोटिस, उड़ानों में देरी और यात्रियों की परेशानी पर जताई नाराजगी। एग्जिट पोल के बहकावे में ना आए, पूरी तरह चौकन्ना रहे, आखिरी चरण के मतदान से पहले अखिलेश यादव का संदेश। सरकार ने 9 साल में डूबा हुआ 10 लाख करोड़ का कर्ज वसूला, वित्त मंत्री ने दी जानकारी। धोती और सफेद शॉल में पीएम मोदी, कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में शुरू की ध्यान साधना। कुछ साल बाद ऐसा दिखाई देगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, तस्वीरें देख यकीन नहीं कर पाएंगे आप। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने IBA से तोड़ा नाता, थामा विश्व मुक्केबाजी का दमन, अध्यक्ष ने की पुष्टि। यूक्रेन को अमेरिका ने दी रूस के घर में घुसकर मारने की इजाजत, बाइडेन ने खोला तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा। चिलचिलाती गर्मी के बीच गुड न्यूज, दिल्ली NCR में आज बारिश की भारी संभावना। फ्लाइट का इंतजार करने के दौरान गर्मी में बेहोश हुए यात्री, DGCA ने एयर इंडिया को भेजा नोटिस। भाषण के दौरान माइक्रोफोन में हुई गड़बड़ी तो स्मृति ईरानी ने मजाक में कहा, कहीं माइक वाले का नाम राहुल तो नहीं। विस्तारा की फ्लाइट में बम की धमकी के बाद मचा हड़कंप, विमान में सवार थे 177 यात्री। देश के प्रमुख जलाशयों के वाटर लेवल में बड़ी गिरावट, भीषण गर्मी के बीच चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े। माँ तुझे सलाम गाने पर डांस करते समय रिटायर्ड फौजी को आया हार्ट अटैक, लाइव वीडियो आया सामने। मोदी सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र का काया पलटकर 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक डूबा कर्ज वसूला, बोले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। मध्य प्रदेश CM मोहन यादव ने राहुल गांधी की डिबेट पर उठाए सवाल, कहा भाषा और विचारों का अभाव। पंजाब केसरी के साथ बातचीत में CM केजरीवाल का दावा, इंडिया गठबंधन को मिलेगी 300 सीटें। CM मोहन यादव का बड़ा बयान, इस बार कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में इतिहास रच दिया है, कहा कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश में 0 पर सिमट रही है। कानपुर पुलिस का फर्जी मैसेज और मेल पर बड़ा एक्शन, बच्चों से हुई गलती तो पेरेंट्स जा सकते हैं जेल। जनता पर महंगाई की मार, चुनाव के बीच महंगी हुई सब्जियों से लोग हुए परेशान। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान से आ रहा है तूफान, पहाड़ों में होगी बारिश तो राजस्थान UP में चलेगी आंधी, भारतीय मौसम विभाग का अलर्ट। अयोध्या राम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, गर्मी से बचाने के लिए किए गए ठंडा पानी और ORS घोल का खास प्रबंध। रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन में रखा अपना 1,00,000 किलो सोना भारत वापस मंगाया, 1991 के बाद पहली बार किया गया यह कदम। इजरायली सेना ने मिस्र के साथ गाजा की पूरी सीमा पर नियंत्रण किया, हमले तेज बमबारी जारी। उत्तराखंड में 4 धाम समेत सभी धार्मिक स्थलों के लिए पंजीकरण होगा अनिवार्य, सरकार के पास डेटा होने से श्रद्धालुओं की होगी मदद। पाकिस्तान के बाबर आजम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 4,000 रन, अब विराट कोहली के रिकॉर्ड पर निगाहें। बिना धर्म बदले हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी करना अवैध, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने विभव को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा, केजरीवाल के PA ने गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। EVM हैक का रोना अभी से शुरू हो गया, राजभवन पर लगाए गए आरोप पर BJP जदयू का RJD को जवाब। मोदी कंगना रवि किशन, 7वें चरण में नेता से लेकर अभिनेता तक मैदान में, किसकी चमकेगी किस्मत, 4 जून को होगा फैसला। बिहार की राजनीति में भूचाल, काम छोड़ा है समझ नहीं, उनके आका भी लेते हैं सलाह, प्रशांत किशोर अन्य पार्टियों पर भड़के। 4 जून को सिनेमा घरों में लाइव प्रसारित होंगे चुनाव नतीजे, देश के बड़े बड़े शहरों में होगी ये सुविधा। एग्जिट पोल से पहले बाजार में उत्साह, सेंसेक्स 74,000 के पास बंद, निफ्टी 22,250 के करीब। CM योगी ने ब्रज भूमि से किया था चुनावी कार्यक्रम का आगाज, 65 दिनों में कर डाली 204 रैलियां। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा नहीं है, पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूछा फिर विदेशी जमीन पर क्यों तैनात किए सैनिक। चुनाव के आखिरी चरण से पहले नेताओं को आई भगवान की याद, तिरुपति से लेकर राम मंदिर के किए दर्शन। आखिरी जंग आज, दिग्गजों पर बड़ी जिम्मेदारी, गठबंधन की दोस्ती आएगी काम या BJP लहराएगी परचम, 4 जून को होगा फैसला।
डोटासरा का दबा। हीटवेव से हुई मौतें छुपा रही राजस्थान सरकार। रोजाना 20 से 25 से ज्यादा शव अस्पताल में आ रहे हैं। 100 दिन में बनेगी 3 मॉडल सड़कें। इंदौर नगर निगम ने विधायक और अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। ओपीएस की जगह नया पेंशन मॉडल लाने की तैयारी। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर 50% पेंशन लागू कर सकती है सरकार। गर्मी के कहर के बीच एक और चिंताजनक खबर। देश के जलाशयों में बचा सिर्फ 23% पानी। तेलंगाना राज्य में आज से 4 जून तक आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी। 2000 रुपये का नोट को चलन से बाहर कर दिए जाने के बाद 500 रुपये का नोट अकेले अपने दम पर बाजार को फाड़े हुए हैं। RBI का बयान। चार धाम यात्रा में अब तक 71 तीर्थ यात्रियों की मौत। केदारनाथ में सबसे अधिक 34 यात्रियों ने तोड़ा दम। यूक्रेन पर उत्तर कोरिया की मिसाइलों से हमला कर रहा है रूस। अमेरिका ने दिए सबूत। बाज नहीं आ रहा है चीन। ताइवान सीमा में ड्रैगन के 10 युद्धपोत और 13 फाइटर जेट हुए ट्रैक। पाकिस्तानी चोरों की करतूत कैमरे में कैद। बकरियों को भी नहीं बख्शा, गाड़ी में ले उड़े बकरियां। जेल जाने से पहले भावुक हुए केजरीवाल। सता रही है मां की चिंता। सस्ती हो गई सोना चांदी। सोना हुआ 72,760 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी की लेटेस्ट कीमत 95,500 रुपये प्रति किलोग्राम। CBSE बोर्ड ने जारी की 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षा की तिथियां। कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू और 12वीं की पूरक परीक्षाएं 15 जुलाई एक ही दिन। 45 घंटे तक ध्यान साधना में लीन रहेंगे पीएम मोदी। मौन व्रत करने के साथ नहीं ग्रहण करेंगे अन्न का एक भी दाना। केजरीवाल मुफ्त में शराब देंगे, एक पर एक फ्री, लेकिन पानी नहीं। दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली वालों का फूटा गुस्सा। लो आ गई खुशखबरी, हीट वेव से जल्द मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने बताया उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में होगी मूसलाधार बारिश। ग्लोबल बनेगा भारत का रुपया, बढ़ेगा विदेशी निवेश। RBI ने तैयार की खास योजना। 5 महीने में ही पहुंचे 12 लाख से ज्यादा टूरिस्ट। पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया कश्मीर। विदेशी भी खूब आ रहे हैं। हीट वेव के मद्देनजर CM योगी ने दिए सख्त निर्देश। कहा किसी कीमत पर लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। केदारनाथ जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब अधिकारी भी कर रहे हैं अस्वस्थ श्रद्धालुओं की सहायता। आतिशी ने दिल्ली में पानी की समस्या के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को लिखा पत्र। लोगों को पीएम मोदी के नेतृत्व पर बहुत भरोसा। 400 पार का नारा हकीकत होगा, बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। विदेशी पत्रिका ने भी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ। कहा बिहार में शराबबंदी नीति के हुए कई बड़े फायदे।